घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, इसी तरह हमारा वैक्यूम ख़राब हो गया, तो वो लेने आ जाएं। और एक स्पीकर मैंने देखना है ब्लूटूथ सिस्टम के साथ, शायद वो भी अच्छा हमें मिल जाए यहाँ पे। तो अब ज़रा अपनी मार्केट में फिरते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अच्छा हमें मिलता है। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's. Speaker तो पसंद आ गया है Sony का, और अब सिर्फ vacuum रह गया, वो देखना है। आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किधर आया हूँ। वैक्यूम लेना है, हमारा वैक्यूम ख़राब हो गया है। तो इस मार्केट में तो कई दफ़ा मैं आ चुका हूँ, इसलिए इसको दिखाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ यह आया है, ये बसूरत से मास्क पहनने को अब कह दिया। वैसे एंट्री में चेकिंग हो रही थी और अब चेकिंग ख़त्म कर दी है, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये इस तरह के मास्क पहन के फिरना है। तो इतना खूबसूरत वैक्यूम है, रेट इसका है 309 यूरो, 310। एक ये है बॉश का, ये भी बॉश का है, साइलेंट फ्री। इस टाइप के आए हैं, अब मुझे नहीं पता ये कितने अच्छे हैं। इसमें बस इतनी सी जगह है जिसमें आपका सारा वो कूड़ा जमा होगा और बार बार आपको उसको खाली करना पड़ेगा। बस फ़ायदा ये है कि ये जगह कम घेरता है और इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हो। मुझे ज़ाती तौर पे ये नहीं पसंद आया, मुझे चाहिए जिसमें बैग बड़ा हो, कम से कम उसमें कुछ माल तो जमा हो। वाला जी आपकी सफाई भी कर देगा कारपेट की और लाइटें भी फेंकता है, और इसको हैंग कर दें अपने आप चार्ज होता रहेगा। ये इसका एक तरह से डॉकिंग स्टेशन है, और ये वाला भी इसी टाइप का है, ये भी चार्ज होता है। इनकी बस ये छोटी होती है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद आपको उसको खाली करना पड़ता होगा बार बार। अगर ब्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा है, बॉश का साइलेंट फ्री वैक्यूम है और 310 का है तकरीबन। इसके बारे में मैं अभी सोच ही रहा हूँ कि लेना चाहिए या नहीं।
हमें समझ ये नहीं आ रही कि बैग के साथ हैं जो वैक्यूम, वो होते तो अच्छे हैं, लेकिन हमें अब बैगलेस चाहिए था, और जो बैगलेस है उनमें पावर कम है, वो खींचते कम है, और इसमें काफ़ी ताकत लग रही है, इसको चला के भी मैंने देखा है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कि बैग के साथ लें, क्योंकि बार बार आपको बैग लेने पड़ते हैं और कुछ सालों बाद आपको बैग मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। वैक्यूम मिल गया, स्पीकर भी मिल गया, अब रेस्टोरेंट आए, एक मैक्सिकन स्टाइल कुछ है, इसमें रोल वगैरह मिलते हैं चिकन से फिल किए हुए, थोड़ा स्पाइसी बना होता है, आप हमें तो सिर्फ थोड़ा सा भूख लगी थी तो वो पूरा करना है, वरना सही अपना प्रॉपर खाना खा जाते खाएंगे। जो ये इन्होंने लोकेशन है ये बड़ी खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग, अगला दिन शुरू हो गया है। हम हमेशा की तरह सैटरडे के दिन शॉपिंग करते हैं और शाम को आके थक जाते हैं, और फिर हमें हिम्मत नहीं रहती कि हम अपनी वीडियो को आगे चलाएं और अपने व्लॉग को ख़त्म करें। तो अब दूसरा दिन शुरू हो गया है सैट संडे का, और हमेशा यूं ही रहेगा, पहले भी ऐसे ही हो चुका है कि सैटरडे हम बाहर जाते हैं शॉपिंग करते हैं और फिर थक वक के आ जाते हैं, और वैसे भी अंधेरा हो जाता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, तो इसलिए वो बाहर फिर लाइट का भी इशू रहता है, अंधेरा हो जाता है, घर में भी अंदर आते हैं अंधेरा हो जाता है, इस वजह से तो फिर हमें अपनी अगले दिन आगे कंटिन्यू रखनी पड़ती है। हमें वैक्यूम अपना मिल गया है, एक सस्ता सा लिया है, क्योंकि इसको मैं पहले से जानता हूँ, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या माल लिया गया है। एक मैनुअल मिली है साथ, हमेशा की तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इसके पार्ट्स मिले हैं, जब इस्तेमाल कोई नहीं करता, हम तो नहीं करते इन चीज़ों को, कि सोफ़े पे आपने वैक्यूम चलाना है उसका अलग है। जोड़ते हैं, आसान तरीके से लॉक हो गया। इसका फ़ायदा जिन लोगों को जगह का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटा सा है ये, ज़्यादा जगह नहीं लेता, सबसे बड़ी बात इसकी ये है। एक बात इसकी ये है कि जी कुछ एक दो दफ़ा मारने के बाद ये इसका जो टैंक है ये भर जाता है, आप लेकिन जाके इसको खोलो, उसमें झाड़ दो, बड़े आसान तरीके से झड़ जाता है। हमें इसका ये भी अब प्लस पॉइंट लग रहा है कि हम सीधा जाके अपने बाहर जो बड़ी हमारा डस्टबिन है उसमें झाड़ दिया करेंगे, हमें अब एक्स्ट्रा कोई थैली नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी कूड़े के लिए, ये एक अच्छी चीज़ है। और इसकी आवाज़ भी बहुत कम है, ये इसका आ गया मास्टरपीस। अच्छा, दो रबर बैंड साथ में वैसे ही मुफ्त में आ गए, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये लॉक हो गया। ये ब्लूटूथ स्पीकर है सोनी का XP33। इसका लेने का मकसद सिर्फ ये था, मुझे अपने लैपटॉप या पीसी से इसको कनेक्ट करना है ताकि हर वक्त हेडफोन नहीं इस्तेमाल करना पड़े, एक वजह ये थी, और दूसरा ये कि साइज़ में इतना बड़ा नहीं होता, आप इसको हर जगह ले जा सकते हो, और पावर बैंक का भी ये काम दे देता, और इसमें माइक भी है, मतलब आप हैंड फ्री अगर आप बात करना चाहते हो अपने मोबाइल से कनेक्ट करके तो आप इसके ज़रिए बात कर सकते हो।
अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पहला आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।